फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीसी फार्मासिस्ट बेबी। मेरा नाम है बेबी और आज का हमारा टॉपिक है सुप्राडिन टैबलेट। तो फ्रेंड्स, सुप्राडिन टैबलेट एक मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल, अमाइनो एसिड और ट्रेस एलिमेंट से भरपूर एक हेल्थ सप्लीमेंट है। ट्रेस एलिमेंट मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो कि हमें डेली खाने से नहीं मिल पाता, यानी कि जो हम डेली रोटी, सब्जी, दाल, चावल खाते हैं उससे हमें ये नहीं मिल पाता है। लेकिन ये एलिमेंट हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो सुप्राडिन टैबलेट हमारी डेली एनर्जी को बढ़ाता है और हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑल करें ताकि ऐसी ही मेरी नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे। सुप्राडिन टैबलेट के यूज़ और बेनिफिट की बात करें तो ये टैबलेट हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करता है जो कि हमें भोजन से नहीं मिल पाता है। इस टैबलेट में मौजूद विटामिन सी और डी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है और वो इस टैबलेट को खाता है तो इससे उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और वो बीमारी से बचा रहता है और वो बार बार बीमार नहीं पड़ता है। कई लोग कमजोरी, थकान, सुस्ती, आलस जैसा महसूस करते हैं, अगर वो लोग इस टैबलेट का सेवन करते हैं तो ये टैबलेट उन्हें चुस्त, दुरुस्त और फुर्तीला बनाता है। कई बार गलत लाइफस्टाइल की वजह से भूख लगना कम हो जाती है तो ये टैबलेट पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है जिससे भूख अच्छी लगने लगती है, और ये टैबलेट वजन को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। इस टैबलेट में मौजूद विटामिन डी हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने में हेल्प करता है। कई लोगों को शरीर में विटामिन की कमी होने पर उनके हाथ पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन और हाथ पैरों के कांपने की समस्या होती है, तो इस टैबलेट में मौजूद विटामिन बी इन सारी प्रॉब्लम को ठीक करने में हेल्प करता है। इस टैबलेट का इस्तेमाल शरीर में विटामिन B12, विटामिन B3, विटामिन डी और थायमिन की कमी को पूरा करने के लिए भी किया जाता है। इस टैबलेट में मौजूद एस्कॉर्बिक एसिड घाव को जल्दी भरने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये शरीर में आयरन को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। इस टैबलेट में मौजूद जिंक, विटामिन सी और डी कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। ये स्ट्रेस यानी कि तनाव को कम करके मूड में सुधार करते हैं। सुप्राडिन टैबलेट पिरामल इंटरप्राइजेस लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है और 15 टैबलेट्स की इसकी पैकिंग होती है और 55 रुपीज़ इसकी MRP होती है, और ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाएगी। अगर आपको ये टैबलेट मेडिकल स्टोर पे ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। सुप्राडिन टैबलेट के डोज की बात करें तो इस टैबलेट का इस्तेमाल रोज़ाना एक बार एक गोली खाना खाने के बाद लेना चाहिए। सुबह में इस टैबलेट का इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल सुबह में करते हैं तो पूरे दिन आपके शरीर में फुर्ती बनी रहेगी और आपको पूरे दिन थकान महसूस नहीं होगी। जो भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए, अगर वो सिम्टम्स आप में हैं तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल एक हफ्ते से लेकर 15 दिनों तक करें। उसके बाद आप डॉक्टर की सलाह लें क्योंकि आपके कंडीशन के हिसाब से डोज को बढ़ाया जा सकता है, और इस टैबलेट का इस्तेमाल पुरुष हो या महिला हो दोनों कर सकते हैं। सुप्राडिन टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले कुछ सावधानियां रखें। वैसे तो ये टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए काफ़ी सुरक्षित माना जाता है, फिर भी प्रेग्नेंट महिलाएं इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। अगर किसी व्यक्ति को किडनी से जुड़ी बीमारी है तो वो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। अगर किसी व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर है, उसके स्टमक में अल्सर हुआ है और उसे बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, अल्सर डेवलप हो गया है, तो वो व्यक्ति इस टैबलेट का सेवन न करें। अगर किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन, डर्मेटाइटिस, एंजाइमा, सोरेसिस की प्रॉब्लम है तो वो भी इस टैबलेट का सेवन न करें। अगर किसी व्यक्ति को क्रोन्स डिजीज यानी कि उसके आंत में सूजन हो गई हो तो वो व्यक्ति भी इस टैबलेट का सेवन न करें। सुप्राडिन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो अगर इस टैबलेट का इस्तेमाल करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पेट फूलता है या फिर पेट दर्द की समस्या होती है, कब्ज की समस्या होती है, मुहासों की समस्या होती है या फिर सांस लेने में दिक्कत आती है तो आप समझ जाएं कि ये टैबलेट आपको सूट नहीं कर रहा है, तो इस टैबलेट का इस्तेमाल करना तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें।
तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको सुप्राडीन टैबलेट की पूरी जानकारी दी। आशा करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको किसी भी दवाओं से जुड़ी या फिर किसी भी बीमारी से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको उस पर पूरी जानकारी दूंगी। और जैसा कि मैंने हमेशा से कहा, आज भी कहूंगी कि किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल आप खुद करें या फिर बच्चों को दें, उससे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही आप कोई भी मेडिसिन खुद लें या फिर बच्चों को दें। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।